अति सम्मानित मेरे विद्वान साथियों, मुझे पहले ही पाबंद कर दिया गया है कि आप कम से कम बोलेंगे और मैं उसका पालन करूंगा। बहुत सारी बातें सुनी और ये तय है कि परिवर्तन तो हुआ है। मुझ जैसा एक ग्रामीण आदमी जो सुबह उठकर 7 किलोमीटर पैदल विद्यालय जाया करता था, आज वो कार में आया है, तो परिवर्तन तो हुआ है। रहा सवाल ये कि इसके साथ में बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी इस पर प्रकाश डाला और मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। समाधान के लिए और इससे पहले कि मैं कुछ एक चीज़ों से डिफर करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर उसको नहीं उल्लेख करूँगा, मात्र एक सुझाव देना चाहूँगा और वो ये है कि ये सारी की सारी समस्याएँ जो हमारे सामने उपस्थित हैं, समाधान केवल शिक्षा है। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया था कि भारत की जो संपदा है वो केवल शिक्षा है और उसे हमें ध्वस्त करना है, और उन्होंने किया। और ऐसी स्थिति में जबकि हम चाहे राजनीतिज्ञों को दोष दे दें और क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों को दे दें, मूल में यह शिक्षा से ही सुधर पाएगा। क्योंकि हम इस महाविद्यालय में यदि पढ़ा रहे हैं और कटलाधर की पॉपुलेशन यदि 5 लाख है, 5 हजार है, तो हमें 10 लाख या 10 हजार आंखें देख रही है। हमारा दायित्व है कि हम विद्यार्थियों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। यह बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या ऐसा हो पाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यदि ईमानदारी से करें, ईमानदारी से। अभी एक बात आई थी कि जो समस्या है उसका इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें गहरा चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन के लिए केवल शिक्षा ही बड़ी चीज़ है और उसे हमें बहुत ईमानदारी से उसका पालन करना है, तो ये सारी की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। धन्यवाद।